हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं। आज अपना 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको रोजाना टेस्ट देना है। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले 6 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो वो जरूर दें और रोजाना मेरे साथ में चलें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 7 है। देखिए, शुरुआत में जो अपन 15 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, ये भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, सिलेबस में जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं के अनुसार अपन ये पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, गुप्त काल के मंदिरों में से कौन सा एक शिखर युक्त मंदिर है, बताइए। जैसे मंदिर होते हैं जिसके अंदर ये शिखर होता है, ठीक है, और यहाँ पे झंडा लगा हुआ था, आप सभी को बताया, तो ये शिखर युक्त मंदिर की बात हो रही है। तो शिखर युक्त एक मंदिर है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, गुप्त काल में क्या था कि गुप्त काल के प्रारंभिक काल में मंदिरों की जो छतें हैं वो सपाट होती थी, ठीक है, यानी कि उसमें शिखर नहीं होता था। लेकिन दोस्तों बाद में है वो गुप्त काल के अंदर की एक उपलब्धि है वो यही है कि शिखर युक्त मंदिर है वो बनने शुरू हो गए थे गुप्त काल में। तो यहां पर देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये एक शिखर युक्त मंदिर है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, बाकी 3 मंदिर भी गुप्त काल से संबंधित ही हैं। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, ऐहोल का लाड खान मंदिर, ये तीनों मंदिर हैं ये दोस्तों, इनकी जो छतें हैं वो सपाट थी। क्या है? सपाट, ठीक है, यानी कि बिना शिखर के मंदिर हैं ये। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न था। आगे देखिए, भिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, भिथोड़ा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 1857 को भिथोड़ा का युद्ध है वो लड़ा गया था 8 सितंबर 1857 को। दोस्तों इसके ठीक 10 दिन बाद कौन सी तारीख आती है? 18 सितंबर, और 18 सितंबर को कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चेलावास का युद्ध लड़ा गया था, यह भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर भिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857 को, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, तिलक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। तिलक से संबंधित कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, केसरी व मराठा तिलक द्वारा संपादित समाचार पत्र थे, बिल्कुल सही है। तिलक द्वारा गणपति उत्सव 1893 ईस्वी में आरंभ किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी बिल्कुल सही है। जब 3 सही है तो चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए, तिलक ने जॉर्ज पंचम के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दोस्तों तिलक ने मानहानि का मुकदमा तो दायर किया था लेकिन जॉर्ज पंचम के खिलाफ नहीं किया था, ये किया था दोस्तों वेलेंटाइन चिरोल के विरुद्ध किया था। एक व्यक्ति है जिसका नाम है वेलेंटाइन चिरोल, ठीक है, और ये लेखक थे दोस्तों। तो यहां पर है अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, बताइए। कौन सी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सत्यार्थ प्रकाश है, अद्वैत मत का खंडन है, पाखंड खंडन है, ठीक है, ये तीनों पुस्तकें हैं ये दोस्तों स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लेकिन यहाँ पे लॉज ऑफ लाइफ है ये इनके द्वारा पुस्तक है ये नहीं लिखी गई दोस्तों, ये पुस्तक है ये केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कालीबंगा में उत्खनन का कार्य किसने किया, कालीबंगा में उत्खनन का जो कार्य है वो दोस्तों किसने किया था, ये किया था दोस्तों बीबी लाल और बीके थापर ने, इन दोनों ने किया था दोस्तों कालीबंगा में उत्खनन कार्य। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों ये देखिए, कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, आप सभी को पता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और खुदाई के दौरान यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली थी, इस कारण इस स्थान को कालीबंगा नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जुर्ज का है। क्या कहा है? जुर्ज, याद रखना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये गुर्जर का ही एक विकृत रूप है दोस्तों, जुर्ज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहां का शासक कौन था? दोस्तों आप सभी को पता है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी पर जालौर पर आक्रमण किया था, लेकिन जीत नहीं पाया था। फिर 1308 में दोस्तों सिवाना पर आक्रमण किया था, सिवाना को जीतने के बाद में दोस्तों 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जालौर पर आक्रमण किया था और जालौर को जीत लिया था। उस समय वहां का जो शासक था वो था दोस्तों कानड़ देव। कौन था? कानड़ देव। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, कानड़ देव। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? दोस्तों अकबर ने एक दरबार लगाया था नागौर में, और वो कब लगाया था? और उस दरबार का मुख्य उद्देश्य यह था कि राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर वो नागौर दरबार है, ये 1570 ईस्वी में लगाया गया था दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना। ठीक है, और इसमें दोस्तों जैसलमेर के हर राय भाटी, बीकानेर के राव कल्याणमल, जोधपुर का दोस्तों उदय सिंह, ठीक है, इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन दोस्तों जोधपुर का जो चंद्रसेन था, महाराजा चंद्रसेन, ये दरबार में उपस्थित होकर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था? मोतीलाल तेजावत का संबंध है वो दोस्तों कौन से आंदोलन से था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक ही आंदोलन से इनका संबंध था, एक ही आंदोलन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, एक ही आंदोलन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि शाहपुरा प्रजामंडल है, डूंगरपुर प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल है, जोधपुर प्रजामंडल है, उदयपुर प्रजामंडल है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार जयपुर प्रजामंडल भी थी। ठीक है, तो जब बात है दोस्तों 1942 की, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब जयपुर प्रजामंडल ने उसमें भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था उस आंदोलन में, तो फिर किसने लिया था? तो दोस्तों ये आजाद मोर्चा नामक एक संगठन ने उसमें भाग लिया था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये आजाद मोर्चा का जो गठन है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये दोस्तों बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। ये यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल है, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीपासर। पीपासर है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये नागौर में पड़ता है। ठीक है, और ये संत जाम्बोजी का जन्म स्थल है, और ये इनका जन्म है वो पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? नाहरगढ़ का किला कौन सी शताब्दी की देन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए मैं आपको बताऊं, नाहरगढ़ के किले का जो निर्माण है वो दोस्तों 1734 ईस्वी में दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 18वीं शताब्दी शुरू हो जाती है 1734 के अंदर। ठीक है, 1701 से 18वीं शताब्दी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 18वीं शताब्दी, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे उसना व साहिबा किस शैली की महिला चित्रकार थी? उसना व साहिबा किस शैली की महिला चित्रकार थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये अजमेर शैली की चित्रकार थी दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे
14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पैर का आभूषण नहीं है, बताइए पैर का आभूषण कौन सा नहीं है। तो यहां पर देखिए पेंजनिया, आंवला, टनका, ये तीनों दोस्तों है ये पैर के आभूषण है। यहाँ पे जो सरी है ये सरी दोस्तों गले का आभूषण है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं, बताइए गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये तमाशा, ठीक है, तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं गोपी जी भट्ट। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरू किया है। तो दोस्तों उस अभियान का नाम है स्वच्छ मंदिर, स्वच्छ मंदिर अभियान की जो शुरुआत है वो की गई है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि राम मंदिर में दोस्तों पूजा अर्चना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी वहाँ पे, ठीक है दोस्तों 22 जनवरी को। तो 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति से लेकर और 22 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा स्वच्छ मंदिर अभियान। जो आसपास के जो मंदिर हैं, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं उन मंदिरों की साफ सफाई की जाएगी दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अश्विनी गुप्ता को, 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी गुप्ता को। नेक्स्ट है आगे देखिए, देखिए यहाँ पे इंड्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, इंड्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों ये पीयूष गोयल ने किया है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। आगे देखिए यहाँ पे एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक है वो किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों वो जीता है भारत ने। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। आगे देखिए बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ONGC। नेक्स्ट आगे देखिए कौन सी कंपनी 2024 की दूसरी तिमाही में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन के फाल्कन 9 रॉकेट पर एक का बैंड हाई थपुट उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो वो है दोस्तों न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जनवरी 2024 में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जनवरी 2024 में मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी बन गई है। तो वो बन गई है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी बन गई है दोस्तों ये। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए बिजली बुनियादी ढांचे और रसद परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से ऋण देने के लिए REC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किए हैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किए हैं। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे देखिए टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है।
बताइए किस राज्य में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है टाटा ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। यहाँ पर है 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु में। अब यहाँ पे जो 5 प्रश्न है वो दोस्तों अपन जनरल साइंस से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए परमाणु का आकार होता है, बताइए दोस्तों परमाणु का आकार होता है तो कितना आकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, ये होता है दोस्तों 10 की घात में -8, ठीक है, ये होता है दोस्तों परमाणु का आकार। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक पदार्थ के छोटे सरल अणुओं में टूटता है, एक पदार्थ के छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। तो बताइए तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो अपघटनीय अभिक्रिया होगी दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का प्रमुख घटक है, CNG का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों वो है मेथेन, मेथेन है ये दोस्तों CNG का प्रमुख घटक है, ठीक है, ये या आपको याद रखना है। एक तो मेथेन और एक इथेन, ठीक है, ये CNG के प्रमुख घटक होते हैं, मीथेन व इथेन, और LPG के प्रमुख घटक होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चलता हुआ बस जब सॉरी चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसे किस नियम द्वारा समझाया जा सकता है? बताइए इसे किस नियम द्वारा समझाया जा सकता है? तो दोस्तों ये न्यूटन का पहला नियम के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस उपकरण से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किस उपकरण से? तो ये डायनेमो उपकरण से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अब यहाँ पे जो अपन 5 प्रश्न पढ़ेंगे ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। देखिए, निम्न में से किस राज्य समूह में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं है? निम्न में से किस राज्य समूह में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं है? तो दोस्तों वो है इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन है, वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों जनहित याचिका, जिसको PIL बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन थे दोस्तों। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? दोस्तों मंत्रिपरिषद का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद शब्द का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 74 में किया गया है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है वो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ठीक है, श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ये दोस्तों अंतर्राज्य सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए पता चल गया होगा आपको, बाड़मेर है ये, इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। गंगानगर की सीमा दोस्तों पाकिस्तान से भी लगती है, ठीक है, और पंजाब से भी लगती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, कि कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अरावली की श्रेणियाँ मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, बिल्कुल सही बात है। यह पर्वत श्रेणियाँ राज्य को दो विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों अर्थात मरुस्थलीय एवं गैर मरुस्थलीय में विभक्त करती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये लाइन है यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है, ये इसमें याद रखना है आपको। देखिए राजस्थान में जो अनेक नदियाँ ऐसी है जैसे कि बनास, बेडच, लूणी, खारी, कोठारी, सुकड़ी, साबरमती, इन नदियों का उद्गम है वो अरावली पर्वत से होता है, ठीक है, लेकिन बाकी और भी नदियाँ हैं जिनका उद्गम है वो अरावली पर्वत से नहीं होता, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राज्य की जलवायु पर पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर को छोड़ के बाकी ए बी डी है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो ए बी डी कौन से ऑप्शन में है, ये रहा दोस्तों ए बी डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ बांध है दूसरी तरफ जिला है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गागरौन बांध है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। गरदड़ा बांध बूंदी में है, बिल्कुल सही है। मोरा सागर बांध है ये दोस्तों सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। टोकरा बांध यहाँ पर पाली दे रखा है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। टोकरा बांध कहाँ पर है, तो दोस्तों ये सिरोही में है, कहाँ पर है, सिरोही जिले में है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात है, दोस्तों शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात है वो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 914, 914 महिलाएं हैं वो 1000 पुरुषों के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रामीण की बात करूँ तो दोस्तों ग्रामीण में है 933 लिंगानुपात, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में कितना है 914, ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, एक तरफ पशु है दूसरी तरफ नस्ल है, एक तरफ पशु दूसरी तरफ नस्ल है, तो यहां पर देखिए भैंस की नस्ल है दोस्तों यहां पे कौन सी है, कौन सा सुमेलित नहीं है, भैंस की नस्ल है दोस्तों मेहसाणा, बिल्कुल सही है। ऊंट की नस्ल नाचना है, बिल्कुल सही है। बकरी की नस्ल दोस्तों यहाँ पे नाली दे रखी है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, नाली है ये भेड़ की नस्ल है, किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, और भेड़ की नस्ल दोस्तों यहाँ पे खेरी दे रखी है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित 15 प्रश्न है वो करेंगे। देखिए, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में कितने अध्याय व धाराओं का प्रावधान है, तो बताइए कितने अध्याय व धाराओं का प्रावधान है, तो दोस्तों 10 अध्याय और 29 धाराओं का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये प्रबंधन को कहा जाता है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रबंधन को। आगे देखिए, राज्य स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन हेतु किसकी स्थापना की गई है, राज्य स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन हेतु किसकी स्थापना की गई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए किसकी स्थापना की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है शिक्षा निर्देशालय की, तो यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है,
देखिए दोस्तों, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा निर्देशालय जयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय जोधपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, समिति या आयोग दे रखा है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पे असुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कोठारी आयोग ये 1966 में बना था, चट्टोपाध्याय आयोग 1985 में बना था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, और यशपाल समिति 2005 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यशपाल समिति का गठन है ये 1993 में हुआ था, कब हुआ था, 1993 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो बताइए, सॉरी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बताइए। तो दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष है ये मनोनीत होता है, ठीक है, क्या होता है, मनोनीत होता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, राजस्थान सरकार द्वारा इसका मनोनीत किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कितने अनुभागों में विभाजित किया गया है, तो कितने अनुभागों में विभाजित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 5 अनुभागों में। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 अनुभागों में, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए SMSA 2.0 यानी कि शमसा की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, SMSA। तो शमसा 2.0 में किस योजना के तहत प्राइमरी व प्री प्राइमरी टीचरों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण मॉडल की व्यवस्था करने का उल्लेख है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निष्ठा योजना। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निष्ठा योजना। आगे देखिए, राजस्थान में डाइट की स्थापना के प्रथम चरण में कितने जिलों में डाइट्स की स्थापना की गई है, राजस्थान में डाइट की स्थापना के प्रथम चरण में कितने जिलों में डाइट की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों प्रथम चरण में 14 जिलों में डाइट की स्थापना की गई थी 1995 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में सभी जिलों में दोस्तों डाइट्स की स्थापना की जा चुकी है। आगे देखिए, संस्थागत नियोजन के क्षेत्रों में से शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित बिंदु कौन सा नहीं है, संस्थागत नियोजन के क्षेत्रों में से शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित बिंदु कौन सा नहीं है, तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग, लेख या वर्तनी सुधार कार्य, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सेवा योजना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए रेंसेस लिकर्ट ने पर्यवेक्षण की कितनी शैलियां बताई, रेंसेस लिकर्ट ने पर्यवेक्षण की कितनी शैलियां बताई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 शैलियां बताई है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2 शैलियां कौन कौन सी है, कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण शैली और दूसरी है कार्मिक केंद्रित पर्यवेक्षण शैली। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन के अंतर्गत शामिल है, समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन के अंतर्गत शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संस्था के समस्त कार्मिक, विद्यार्थी, अभिभावक, उपरोक्त सभी शामिल है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से बोगार्ड्स ने बताए नेतृत्व के प्रकारों में से दोस्तों कौन सा एक नहीं है, बोगार्ड्स ने दोस्तों नेतृत्व के प्रकार बताए हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मानसिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व और अधिशासी नेतृत्व, ये तीन
दोस्तों इसके प्रकारों में आते हैं, लेकिन यहाँ पे सफल नेतृत्व है वो नहीं आता, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, RSOS द्वारा एक वर्ष में कितनी बार परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है? यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा एक वर्ष में दोस्तों दो बार सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो बार, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निष्ठा योजना के तहत किस चरण में एक मॉड्यूल विशेष शिक्षा पर आधारित था? निष्ठा योजना के तहत किस चरण में एक मॉड्यूल विशेष शिक्षा पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें निष्ठा 2.0, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निष्ठा 2.0। अब दोस्तों यहाँ पे अपन सामान्य हिंदी व्याकरण के दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, बताइए कौन से विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्तों पुत्रेषणा, पुत्र प्लस एषणा, ये दोस्तों यहाँ पे जो शब्द है ठीक है पुत्र प्लस एषणा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए के ऊपर जो मात्रा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है, ठीक है। प्रत्यय से सुमेलित कीजिए, यहाँ पर चार शब्द दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन से शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय लगेगा तो उसका शब्द क्या बनेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पर देखिए पाठक, पाठ प्लस अक, तो कौन सा शब्द बन रहा है? पाठक, बिल्कुल सार्थक शब्द बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए चाल प्लस आक, तो क्या हो जाएगा? चालाक, ठीक है बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए जटक प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? जटका, ठीक है। और पशु प्लस इक, तो क्या हो जाएगा? पाशविक हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? पाशविक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3-4-1-2, 3-4-1, 3-4-2-1 अपना क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा के ऑप्शन दे नहीं रखे, आपको डायरेक्ट करना है। आगे देखिए नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, यहाँ पर देखिए स्तुति शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है? स्तुति, तो दोस्तों स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों निंदा, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा निंदा। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। यहाँ पे देखिए बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, तो यहाँ पे जो सहारा शब्द दे रखा है ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो रेखांकित शब्द दे रखा है तो इसका विकल्प अपने को बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सहारा, तो देखिए उनका एक ही उनका बेटा है वो सारा था, तो सहारा के लिए उचित शब्द है वो अवलंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवलंब, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, देखिए अनुलग्नक या उपबंध के लिए उपयुक्त अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं देखिए इसका अंग्रेजी रूपांतरण होगा एपुटेंटेंस, ठीक है एपुटेंटेंस, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जो 5 प्रश्न है वो दोस्तों अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ रहे हैं, देखिए चेंज द नरेशन, यहाँ पर देखिए मस्ट यू गो सो सून आई सेड, मस्ट यू गो सो सून आई सेड, तो दोस्तों इसका क्या बनेगा नरेशन में? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है वो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सैड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इफ का प्रयोग इसमें होगा, तो यहाँ पर है आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सून,
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए हैज एनीवन एवर कॉल्ड यू ए फूल बिफोर, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पैसिव से संबंधित है ये, ठीक है, पैसिव वॉइस से संबंधित, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों हैव यू एवर बीन कॉल्ड ए फूल बिफोर, तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए खाली स्थान भरना है, डिटरमिनर्स का प्रयोग करना है अपने को। यहाँ पे देखिए अप्लीकेंट हैज फाइव चॉइसेज, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईच, ठीक है, ईच अप्लीकेंट, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक के अर्थ में ईच का प्रयोग होगा, बी नंबर ऑप्शन सही। अब यहाँ पे देखिए सिनोनेम यानी कि समानार्थक शब्द अपने को बताना है। एरोगेंट, एरोगेंट का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों एरोगेंट का अर्थ होता है हठी, क्या होता है हठी, ठीक है हठी। और इसका जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों देखिए होटी, होटी का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी दोस्तों हटी होता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें देखिए विच सेंटेंस गिवन बिलो करेक्टली चेंजेज द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव, ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अब अपन यहाँ पे पांच प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ, पांच प्रश्न रीजनिंग के और पांच प्रश्न मैथ से संबंधित यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यदि कैट को 24 लिखा जाता है, सेड को 24 लिखा जाता है, तो एस एच ई को क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पता चल गया होगा। देखिए सी कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों सी आता है 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो एस है, ठीक है, एस कितने नंबर पर आता है, तो दोस्तों एस है वो 19 नंबर पे आता है, ठीक है, कितने नंबर पर आता है एस, तो दोस्तों 19 नंबर पे, और ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे, सॉरी एस एच है, ठीक है एस एच, एच कितने नंबर पर आता है, तो दोस्तों एच 8 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे, तो 8 और 5 कितने होते हैं, तो दोस्तों 13, 13 और 19 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 32, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, विपिन ने कहा उसकी माता, ये लड़की है दोस्तों, ठीक है, उसकी माता, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी कि ये दोस्तों क्या हो गई, पति पत्नी हो गए। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा वो लड़की का क्या है दोस्तों, पिता है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि प्लस का अर्थ है भाग इंटू का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ इंटू माइनस का अर्थ प्लस है, तो दोस्तों यहाँ पे 8 प्लस 6 इंटू 4 भाग 3 माइनस 4, तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों अपने को इनका जो चेंज करना है, ठीक है, निशान चेंज करने हैं, तो अगर अपन निशान बदलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 प्लस का क्या है तो भाग, ठीक है, तो ये 6। अब यहाँ पे इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटू का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाग, भाग का अर्थ क्या है, तो दोस्तों भाग का अर्थ है इंटू, तो यहाँ पे इंटू 3 आ गया। फिर माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ दोस्तों प्लस है, ये लो बस इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों देखिए 8 में आप 6 का भाग दोगे, ठीक है, 8 में आप 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 सही 2 बटे सॉरी 1 सही 2 बटे 6, 1 सही 2 बटे 6 माइनस 4 इंटू 3 कितने होते हैं 12, 12 प्लस 4, ठीक है, बस इसको आपको करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप 1 सही 2 बटे 6 को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 6 6 2 8, 8 बटे 6 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो सीधा सा इसमें राइट आंसर अपना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, वो है देखिए
-20/3, -20/3 आएगा यहाँ पर, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, देखिए इसको अगर अपन 1 सही 2/6 को इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 8/6, ठीक है, तो इसको 2 से काट लोगे आप तो इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। ठीक है, तो 4/3 -12 + 6, 12 + 4 बस -20/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दो धनात्मक संख्याओं एक्स एवं वाई का समांतर माध्य 29.5 है, यदि एक तीसरी संख्या जेड को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है तो संयुक्त समांतर माध्य 20.5 होता है, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो दोस्तों तीसरी संख्या है वो अपने को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो देखिए 29.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 59। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माध्य है वो दोस्तों कितना हो रहा है, 29.5 + 29.5 ये होता है दोस्तों 59। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरी संख्या जेड को भी सम्मिलित कर दी जाती है तो संयुक्त समांतर माध्य है वो 20.5 होगा, तो 20.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 61.5। ठीक है, तो 61.5 में से 59 गए तो दोस्तों कितने बचे, तो 2.5 बचे, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2.5। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया आलेख विभिन्न जनगणना वर्षों में भारत की जनसंख्या को दर्शाता है, आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्न का अपने को उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए वर्ष 1931 से 1981 तक जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि कितनी है, 1931 से 1981 तक, तो 1931 से लेकर 1981 तक वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी है ये 1981 में कितनी है, 68.4, कितनी है 68.4, तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको 684 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे देखिए 27.9 है, ठीक है 1931 में, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों 279, तो यहाँ पे 684 में से 279 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों ये बचे 405, कितने बचे 405 बचे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बटे में दोस्तों यहाँ पे करना है आपको 1931 से लेकर 1981 तक कितने साल होते हैं, तो दोस्तों ये 50 साल होते हैं, तो बटे 50, तो 405/50 करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, तो दोस्तों ये 8.1 आएगा। ठीक है 8.1, यानी कि दोस्तों अब ये 8.1 है ये करोड़ों के अंदर है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 81 लाख। ठीक है 81 लाख, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 8.1 है ये लाख के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे 81 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 वर्ग मीटर हो तो इसका आयतन कितना है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे आर प्लस एच दे रखी है, ठीक है, यानी कि त्रिज्या प्लस ऊंचाई 37 दे रखी है। ठीक है, और दोस्तों 2π r + r + h दोस्तों यहाँ पर दे रखी है 1628, तो सबसे पहले तो अपने को 2π r बराबर दोस्तों अपने को क्या करना है, 1628 में 37 का भाग देना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों सीधा सा अपनी r निकल कर आ जाएगी, इसमें r निकल कर देखिए 2 × 22/7, ठीक है × r बराबर दोस्तों यहाँ पे 1628/37, तो यहाँ पे r निकल कर आ जाएगी दोस्तों 7। ठीक है, और
ऊंचाई में से दोस्तों 7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई 30 आ गई, त्रिज्या आ गई 7, तो यहाँ पर दोस्तों सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर कितनी है, 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितनी है, 30। बस काट लीजिए, 22 × 7 × 30 करोगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है 4620 घन मीटर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या है दोस्तों, 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या है तो वो है दोस्तों 25। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25। देखिए, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यंक 3 है तो k का मान होगा, तो दोस्तों k का मान क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x का मान दे रखा है 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात में x का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 3, 3 का स्क्वायर + 3 + k, ठीक है, बराबर 0। बस इसको सोल्व करना है आपको, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 9, तो 2 × 9 + 3 + k बराबर 0। तो यहाँ पे 2 × 9 कितने होते हैं, 18, 18 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 21। ठीक है, तो 21 + k = 0, तो दोस्तों यहाँ पर k = -21 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये प्रश्न सही से टाइप नहीं हुआ है। आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 20 सेमी है तथा विकर्ण की लंबाई 6√6 सेमी है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों LBH यहाँ पर दे रखी है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है दोस्तों 20। ठीक है, इनके ऊंचाई का योग दे रखा है। अब सबसे पहले तो अपने को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है ये निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 184 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 7वां नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पेपर आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।